हेलो स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। और अभी तक हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। शो दैट y इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, एक्स ग्रेटर देन माइनस 1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। ये जो फंक्शन हमें गिवन है, ये अपने डोमेन में इंक्रीजिंग फंक्शन है व्हेन एक्स ग्रेटर देन माइनस वन। तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है जी, हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे लेट कर लें एफ एक्स लॉग वन प्लस एक्स माइनस टू एक्स अपॉन टू प्लस एक्स। हाँ जी, डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वेरिएबल यहाँ पे एक्स है। हाँ जी, लॉग वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा जी, वन अपॉन वन प्लस एक्स, और फिर 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। हाँ जी, u अपॉन v दैट इज क्वेश्चन रूल। तो क्वेश्चन रूल यहाँ लिख लेते हैं जी, क्या आता है ये देखें, v स्क्वायर v एज इट इज u डैश माइनस u v डैश v स्क्वायर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर v एज इट इज 2 प्लस एक्स एज इट इज इन टू u डैश 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस u एज इट इज 2x इन टू v डैश। तो 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा जी 1। सॉल्व करें 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, यहाँ देखिए जी इसे आप ओपन कर दें 2 टू 4 प्लस 2x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए आगे देखें जी, 2x और 2x कैंसिल, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, ये आएगा जी 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 और डिवाइडेड बाई आएगा 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। नेक्स्ट देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर करें ओपन जी, 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये है जी f डैश x। 4 से यहाँ पे ये देखिए, ये बन गया आपका 4 से 4 कैंसिल। हाँ जी, ये यहाँ 1 प्लस एक्स भी आएगा इसके साथ, ये देखिए ये मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे आएगा 4 और माइनस 4x। तो 4 से 4 गया, 4x से 4x आपका कैंसिल, ये आएगा जी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वेयर। ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। अब हमने चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है कब, जब x की वैल्यू माइनस वन से ग्रेटर, मतलब ये इसकी डोमेन है। तो यहाँ पे देखें, नाउ फॉर x ग्रेटर देन माइनस वन एफ डैश एक्स, हाँ जी क्या वैल्यू आएगी, क्या ये जीरो से ग्रेटर होगा या लेस होगा। अब देखिए x यहाँ पे माइनस वन से ग्रेटर है, ये देखिए जी दिस इज माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ज़ीरो, ये आ गया माइनस वन। तो माइनस वन से ग्रेटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इस इंटरवल में हमने एफ डैश एक्स चेक करना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हाँ जी देखें, यहाँ पे स्क्वायर, तो ये जो नंबर हैं ये सारे रियल नंबर हैं, तो रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये भी पॉजिटिव होगा, और यहाँ बचा 1 प्लस एक्स। तो अब देखें यहाँ पे आपको x की वैल्यू जो है माइनस वन से ग्रेटर कहा है, तो माइनस वन से ग्रेटर का मतलब थोड़ा इसके आगे हो सकता है, ये आएगा 0.9 माइनस। तो जब आप इसमें पुट करेंगे तो ये टर्म भी आपकी क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। ये पूरी टर्म क्या बन गई, पॉजिटिव ग्रेटर देन ज़ीरो। बट एक चीज़ देखें यहाँ पे, यहाँ पे ज़ीरो भी आ रहा है, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ ज़ीरो पुट कर देता हूँ, तो ज़ीरो पुट करूँ तो ये वन आ जाएगा, यहाँ फोर आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा ज़ीरो। तो ज़ीरो अपॉन समथिंग दैट इज़ ज़ीरो, तो ये जो एफ डैश एक्स है ये इक्वल भी आपका आएगा। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो जब होता है, तो हम क्या लिखते हैं कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। और क्योंकि ये इसकी डोमेन भी है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट ऑफ इट्स डोमेन, ठीक है जी, दिस इज योर आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें, y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, और हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है जब ये फंक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसे आप लेट कर लें एफ एक्स, तो ये आ गया जी एक्स, इसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर। हाँ जी, फर्स्ट स्टेप डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ जी, क्या आएगा जी x की पावर n, तो x की पावर n आ गया आ जाता है जी, और यहाँ पे x और इसकी पावर एक रह जाएगी, इन टू चेन रूल लगेगा, इसका डेरिवेटिव करें ये बन जाएगा जी 2x माइनस टू। यहाँ से कुछ कॉमन है, यहाँ से भी कुछ कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं, ये 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 2 क्या बन जाएगा 4, यहाँ से x कॉमन है, और ये बचेगा जी x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन, दिस इज योर एफ डैश एक्स। सेकेंड स्टेप क्या है, पुट करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, इसे पुट कर दें जी जीरो को इक्वल, क्या आ गया जी 4x इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे x की वैल्यू आपके क्या आ जाएगी, इसे जीरो को इक्वल पुट करेंगे तो जीरो आ जाएगा, इसे जीरो को इक्वल पुट करेंगे तो टू आ जाएगा, और इसे जीरो को इक्वल पुट करेंगे तो वन आ जाएगा। तो मेरे पास तीन पॉइंट्स आ गए, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप क्या है, हमने नंबर लाइन को डिवाइड करना है। यहाँ करते हैं जी नंबर लाइन को डिवाइड, दिस इज माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ज़ीरो, तो ज़ीरो वन टू, तो यहाँ पे ज़ीरो, दिस इज वन, दिस इज टू, तो पहला इंटरवल क्या आ जाएगा इन्फिनिटी से लेकर ज़ीरो तक, फिर ज़ीरो से लेकर वन तक, और फिर आएगा आपका वन से लेकर टू तक, और लास्ट आएगा टू टू इन्फिनिटी, मतलब जितने यहाँ पॉइंट्स होंगे इंटरवल उससे एक मोर होगा। तो यहाँ पे तीन है तो हमारे पास कितने इंटरवल बन गए, वन टू थ्री फोर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू ज़ीरो वन टू डिवाइड्स रियल लाइन इंटू फोर डिसजॉइंट इंटरवल्स, दैट इज कौन कौन से, पहला बन गया माइनस इन्फिनिटी से लेकर ज़ीरो तक, दूसरा ज़ीरो से लेकर वन तक, तीसरा वन से लेकर टू तक, और लास्ट है टू टू इन्फिनिटी। अब हमने इस फंक्शन के यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज चेक करना है कि ये फंक्शन कौन कौन से इंटरवल में डिक्रीज है इंक्रीज है, उसके लिए हम क्या टेस्ट करते हैं। सबसे पहले पहला इंटरवल लेते हैं व्हेन एक्स बिलोंग टू माइनस ज़ीरो टू इन्फिनिटी, तो एफ डैश एक्स हमने वैल्यू लेनी है, तो माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, तो ये माइनस वन माइनस टू ऐसे इसमें नंबर आएंगे, तो आप यहाँ पे पुट करके देखें, तो इसमें से कोई आप एक नंबर ले लो, मैं माइनस वन ले लेता जी, तो माइनस वन पुट करें, यहाँ माइनस वन पुट करेंगे जी माइनस आएगा, यहाँ माइनस वन तो माइनस टू माइनस थ्री माइनस आएगा, यहाँ माइनस वन और माइनस वन माइनस टू माइनस आ जाएगा, तो तीन माइनस आ गए, क्या आ गया जी नेगेटिव, दैट इज लेस देन ज़ीरो, तो मेरे पास यहाँ पे क्या रिजल्ट आया एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। चलिए सेकंड चेक करते हैं, सेकंड इंटरवल क्या है ज़ीरो टू वन, तो व्हेन एक्स बिलोंग टू ज़ीरो टू वन, तो एफ डैश एक्स क्या होगा जीरो टू वन, ये जी ज़ीरो टू वन, तो ज़ीरो टू वन के बीच में यहाँ पे आपके पास नंबर पॉजिटिव होगा, आप कोई भी नंबर ले लें, मैं वन बाई टू ले लेता हूँ पॉइंट फाइव, हाँ जी वन बाई टू यहाँ पुट करेंगे तो पॉजिटिव, यहाँ वन बाई टू पुट करता हूँ वन बाई टू, ये बन जाएगा माइनस वन बाई टू आ जाएगा, ये आ गई माइनस, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस थ्री बाई टू, और यहाँ वन बाई टू, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो दो माइनस आए प्लस हो गया ग्रेटर देन ज़ीरो, देयर फोर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है जी, थर्ड व्हेन एक्स बिलोंग टू वन टू वन टू एफ डैश एक्स क्या होगा जी, पॉजिटिव नेगेटिव वन और टू के बीच में कोई नंबर ले लें,
तो आप यहाँ पे ले लें 1.5। तो 1.5 यहाँ पुट करें जी, पहला पॉजिटिव 1.5 तो 2 लार्ज है तो नेगेटिव आएगा, 1.5 तो इसमें से 1 लेस है तो पॉजिटिव आएगा, तो क्या है जी लेस देन 0, 2 प्लस और 1 माइनस है तो मेरे पास आएगा लेस, तो क्या आ जाएगा जी एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लास्ट बचा इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी, तो व्हेन एक्स बिलोंग टू 2 टू इन्फिनिटी तो एफ डैश एक्स, ये 2 टू इन्फिनिटी ये 3 है जी, ये 4 ऐसे करके नंबर आएंगे, आप कोई नंबर यहाँ उठा के रख लो, मैं 3 ले लेता हूँ, देखिए पॉजिटिव 3 यहाँ पॉजिटिव, 3 में से 2 गया पॉजिटिव, 3 में से 1 गया पॉजिटिव, तो 3 पॉजिटिव हैं तो ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ पे ये जो फंक्शन है 2 इंटरवल में डिक्रीज है और 2 में इंक्रीज है, तो आप कंक्लूजन में लिख लें एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन कौन कौन से इंक्रीज कर रहा है, 0 to 1 यूनियन और इसमें कर रहा है 2 to इन्फिनिटी, एंड एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस किस में डिक्रीज कर रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन और ये 1 to 2, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखें, y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन क्लोज इंटरवल 0 टू पाई बाई 2। हाँ जी, सबसे पहले हम इसे लेट कर लेते हैं जी एफ ऑफ थीटा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल थीटा तो मैंने एफ ऑफ थीटा ले लिया, ये आ गया जी 4 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। हाँ जी, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हमने इसे डिफ्रेंशिएट करना था जी, तो एफ डैश थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा आप डिफ्रेंशिएट करें। हाँ जी, यू अपॉन बी यहाँ क्वेश्चन रूल लगेगा, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ क्वेश्चन रूल वी स्क्वायर वी यू डैश माइनस यू वी डैश, तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाएं वी स्क्वायर 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर वी एज इट इज 2 प्लस कॉस थीटा एज इट इज इन टू यू डैश 4 साइन थीटा है तो मैं ना 4 यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ यहाँ बाहर, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा जी कॉस थीटा, ओके, और आगे क्या है माइनस यू, यू यहाँ पे क्या है साइन थीटा, और वी डैश 2 प्लस कॉस थीटा का आप डेरिवेटिव करें यू 2 का 0 और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, और आगे माइनस थीटा क्या आ जाएगा जी 1। चलें यहाँ 4 है, हाँ जी ये इसे मल्टीप्लाई करते हैं क्या बन गया जी 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा, यहाँ प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, नीचे आएगा जी 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वेयर दिस इज माइनस 1, तो साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा 1 होता है, और मैं इसे 4 से फिर मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, ये आपका ऐसे है, तो ये आ गया जी 8 4 टू 8 कॉस थीटा, और यहाँ पे 1 आना तो ये प्लस 4 आ जाएगा अपॉन आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वेयर माइनस 1। एलसीएम ले लें, यह आ गया जी 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वेयर, यह आ गया जी 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस, अब थोड़ा ध्यान दीजिए 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वेयर इधर जाएगा, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, साथ में माइनस भी है तो माइनस भी कर दूंगा, यह आ गया जी माइनस 4, तो ये प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा तो माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, और प्लस 4 कॉस थीटा तो माइनस 4 कॉस थीटा। हाँ जी, इसमें कुछ कैंसिल हो सकता है, ये देखें 4 से 4 कैंसिल, 8 कॉस थीटा में से 4 कॉस थीटा चला जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा आपके पास 4 कॉस थीटा और माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वेयर दिस इज एफ डैश थीटा, और इसे आप लिख सकते हैं, यहीं लिख देते हैं, इसमें आप कॉस थीटा कॉमन लिख सकते हैं, ये आ गया जी 4 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर दिस इज योर एफ डैश थीटा। अब आप निकालना क्या चाहते हो कि
कि ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है इस क्लोज इंटरवल में, ठीक है जी। यहाँ देखिए जी, एफ डैश थीटा इज इक्वल टू मेरे पास आया कॉस थीटा इंटू फोर माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई टू प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जीरो टू पाई बाई, तो हम पहले ना इसे कंसीडर कर लेते हैं, एक्स जीरो पाई बाई टू, ये क्लोज ले लेता हूँ, ये ओपन ले लेता हूँ, ठीक है जी। ये देखें यहाँ पे, तो ये मैं इंक्लूड कर लेता हूँ या इसे मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ पाई बाई टू को। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल पॉजिटिव, जितने भी आपके टी रेशियोज हैं वो पॉजिटिव हैं। अब देखें यहाँ के एफ डैश थीटा यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, फोर माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है वन, तो इस क्वाड्रेंट में जब आएगी वैसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू वन होती है, तो ये थ्री आएगा। टू प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो ये जो पूरी आपकी टर्म है एफ डैश थीटा, ये क्या आई ग्रेटर देन ज़ीरो, कब, जब मैं पाई बाई टू को मैंने इक्वल नहीं लिया, मैंने पाई बाई टू को ओपन इंटरवल लिया, मतलब पाई बाई टू इंक्लूड नहीं किया, जीरो इंक्लूड कर लिया। क्योंकि आप जब जीरो पुट करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए कॉस थीटा कॉस जीरो कितना होता है वन, कॉस जीरो वन, फोर में से बन गया थ्री, यहाँ पे भी कॉस जीरो वन, टू प्लस थ्री, तो ये तब भी ये ग्रेटर देन ज़ीरो है। अब देखें क्योंकि पाई बाई टू आपको क्लोज इंटरवल दिया कि पाई बाई टू भी इंक्लूड होगा, तो पाई बाई टू के जब वैल्यू आएगी तो कोस पाई बाई टू कितना होगा जी ज़ीरो होगा, और ये पॉजिटिव रहेगा, ये भी आपके पास अगर जीरो हो जाएगा तो फोर पॉजिटिव रहेगा, तो आपका ये जो एफ डैश थीटा है ये इक्वल टू ज़ीरो भी बन जाएगा। कब, जब हम यहाँ पे फॉर एक्स बिलोंग टू ज़ीरो टू पाई बाई टू क्लोज इंटरवल, तो फिर हमारे पास एफ थीटा क्या आ गया जी, एफ थीटा क्या आ गया इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा, और एफ थीटा आपने क्या लेट किया था वाई है, तो हैंस वाई इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखें, प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन जीरो टू इन्फिनिटी, कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं वो इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीज होते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं जी, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, तो इसे हमें चेक करना है तो इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा एफ डैश एक्स, तो वन अपॉन एक्स आया। अब चेक करें कि जीरो टू इन्फिनिटी में वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये देखें जी, ये है जी ज़ीरो और ये है इन्फिनिटी, तो इसमें कोई भी वैल्यू उठा लो आप, ज़ीरो तो आएगा ना इसमें, तो वन अगर ज़ीरो नहीं आएगा तो वन अपॉन ज़ीरो नहीं आएगा, तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर आएगी जब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कोई भी वैल्यू इसमें आप ले लेंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा ग्रेटर देन ज़ीरो। सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ज़ीरो टू इन्फिनिटी इंटरवल में। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन माइनस वन टू वन। हमने क्या प्रूव करना है कि ये एक फंक्शन गिवन है, ये इस इंटरवल में ना तो इंक्रीज कर रहा ना डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस इंटरवल में इंक्रीज भी कर रहा होगा डिक्रीज भी कर रहा होगा, ठीक है। तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, आप एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया जी टू एक्स माइनस वन। सेकेंड स्टेप क्या है, पुट करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो, क्या बन गया जी टू एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, टू एक्स इक्वल टू वन, और एक्स की वैल्यू कितनी आएगी वन बाई टू। अब जो वन बाई टू है इस इंटरवल को, ये जो हमें इंटरवल दिया है इसको डिवाइड करेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा जी एक्स वन बाई टू डिवाइड्स माइनस वन टू वन इंटू टू डिसजॉइंट इंटरवल, दैट इज कौन कौन सा जी, ये देखें ये है जी माइनस वन और ये है वन, ठीक है, ये ज़ीरो है, तो वन बाई टू आया आपका पॉइंट,
तो ये है आपका 0.1/2। तो एक आ गया ये इंटरवल और दूसरा आ गया जी ये, तो -1 to 1/2, और दूसरा आ गया 1/2 से लेकर 1 तक। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं इंक्रीज और डिक्रीज। पहला फर्स्ट इंटरवल ले लेता हूँ, व्हेन एक्स बिलोंग टू -1, 1/2। हाँ जी, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा जी, 2x-1 है। तो -1 और 1/2 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करें, -1 और 1/2 0 है, 0 पुट कर देते हैं। जब मैं 0 पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, -1। तो -1 क्या आता है जी, <0। तो यहाँ पे क्या आ गया, इस इंटरवल में एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सेकेंड, यहाँ इसको चेक करते हैं, व्हेन एक्स बिलोंग टू 1/2 to 1, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा जी, तो 1/2 1, इसके बीच में कोई नंबर ले लो जी, ये पॉइंट आप 6 ले लें, 1/2 0.5 होता है ना, तो 0.6 ले लें। यहाँ 0.6 पुट करें जी, 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.2, 1.2 में से 1 चला गया, 0.2 आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आई। आप और कोई वैल्यू लो तब भी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इस इंटरवल में एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बट उसने हमें पूछा है कि इसमें बताओ कि -1 से लेकर 1 के बीच में क्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डिक्रीज हो रहा है, और फिर आगे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो क्या आएगा, इट इज़ नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन -1 to 1 इंटरवल में। ठीक है जी, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। और हमें यहाँ पे चार फंक्शन गिवन हैं, और हमने प्रूव करना है कि इनमें से कौन से फंक्शन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीज कर रहे हैं। तो ले जी, पहले से लेट कर लेते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कोज एक्स। हाँ जी, तो कैसे चेक करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो एफ डैश एक्स आ गया, कोज एक्स कितना आ गया जी, -sin x। तो इसे चेक करते हैं जी, ये क्वाड्रेंट है आपके पास 0 π, π/2 और 3π/2, इसे 2π भी बोलते हैं। तो साइन एक्स चेक करना हमने किसके लिए, 0π/2। तो यहाँ पे हमने चेक करना है फॉर एक्स बिलोंग टू 0π/2, तो दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एफ डैश एक्स जो है वो -sin x है, तो फर्स्ट में आल पॉजिटिव होते हैं जी, तो आल पॉजिटिव का मतलब साइन पॉजिटिव, बट इसके साथ क्या लगा, माइनस, तो क्या आएगा, नेगेटिव, <0। तो जो फर्स्ट आपका आंसर है वो क्या है, डिक्रीजिंग। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। ठीक है जी, सेकंड वी ले लेते हैं, यहाँ पे एफ एक्स आप ले लें cos 2x। हाँ जी, डिफ्रेंशिएट करें जी, एफ डैश एक्स क्या आ गया जी, ए कॉस क्या आ गया, sin 2x माइनस, और क्योंकि ये एंगल का भी चेन रूल लगेगा यहाँ पे, तो 2 आ गया, तो ये आ गया जी एफ डैश एक्स -2 sin 2x। अब हम चेक करते हैं कि पहले sin 2x जो है वो क्वाड्रेंट कौन सी बनी है, आपके पास क्वाड्रेंट कौन सी है जी, 0 to π। आपको गिवन है, वी हैव एक्स किसे बिलोंग करा, 0 to π/2, और मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ जी, एक्स ग्रेटर देन लेस देन π/2, मतलब जो एक्स जहाँ पे एंगल है वो 0 और π/2 के बीच में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन आपका यहाँ एंगल क्या है, 2x, तो पहले से 2x बना लो, ये बन गया 0, ये बन गया जी 2x, और ये बन गया फाई। अब आपने 2x sin 2x देखना है, तो 2x जो एंगल है वो कहाँ चला गया, 0 और π, यहाँ पे आ गए, दो क्वाड्रेंट आ गए। अब इन दोनों क्वाड्रेंट में sin 2x क्या होता है, यहाँ पे
साइन टू एक्स क्या होगा? पॉजिटिव। कब? यहाँ पे लिख दे जीरो टू पाई। तो साइन टू एक्स पॉजिटिव है बट उसके साथ क्या लगा? माइनस है। तो फिर आपके पास क्या आ गया? एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। तो सेकंड आंसर भी आपका क्या आ गया? डिक्रीजिंग। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस टू एक्स इज डिक्रीजिंग। चलिए थर्ड सी चेक करते हैं जी। सी है आपके पास कॉस थ्री एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस थ्री एक्स। डिफ्रेंशिएट करें एफ डैश एक्स आ गया माइनस साइन थ्री एक्स और साथ में थ्री आ जाएगा क्योंकि एंगल इसका थ्री एक्स है। चेन रूल लग के वहाँ पे थ्री हमें मिल जाएगा। अब हम चेक कर रहे हैं कि ये जो साइन थ्री एक्स है, पहले इसे चेक करते हैं कि साइन थ्री एक्स जो है कौन सी क्वाड्रेंट में है और पॉजिटिव नेगेटिव। देखिए हमारे पास क्या है कि जो एक्स है वो जीरो से ग्रेटर है और पाई बाई टू से लेस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दी हुई है ओपन इंटरवल। लेकिन आपके पास यह एंगल क्या है? थ्री एक्स। तो आपने थ्री एक्स पर साइन की वैल्यू चेक करनी है तो आप उसको पहले थ्री से मल्टीप्लाई कर दें, ये भी थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तब आपके पास कौन सी क्वाड्रेंट बनेगी? जब एंगल आपका थ्री एक्स होगा तो क्वाड्रेंट कौन सी चल गई थी? जीरो से लेकर थ्री पाई बाई टू। तो क्वाड्रेंट कहाँ तक पहुँचेगी? थर्ड। तीन क्वाड्रेंट इसमें आप इन्वॉल्व होगी, वन टू थ्री। अब चेक करें जो साइन थ्री एक्स है, साइन थ्री एक्स जो है वो इन दो क्वाड्रेंट में क्या है? पॉजिटिव है। किसमें? जीरो से लेकर पाई तक। लेकिन साइन थ्री एक्स लेस देन जीरो है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। कौन सा? पाई से लेकर थ्री पाई बाई टू। तो अब हुआ क्या कि जो साइन थ्री एक्स है वो यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, लेकिन हमने तो प्रूव करना है यहाँ तक। तो फिर ये फंक्शन क्या हुआ? जीरो से ये बना ना मेरे पास, फिर ये तो इसमें क्या हुआ? यहाँ तक इंक्रीज और यहाँ डिक्रीज। तो जो फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करे एक इंटरवल में तो उसे हम क्या कहेंगे? नादर डिक्रीजिंग नॉर डिक्रीज इंक्रीजिंग। तो हेयर एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस थ्री एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। चलिए लास्ट हमारे पास बचा टेन एक्स। तो यहाँ पे जगह नहीं है। हाँ जी, डी बचा आपके पास टेन एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स। डिफ्रेंशिएट करें एफ डैश एक्स क्या बन गया जी? सेकंड स्क्वायर एक्स। तो एक्स एंगल जो है कौन सी क्वाड्रेंट में है? जीरो टू पाई बाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉर एक्स बिलोंग टू जीरो टू पाई बाई टू। तो सेकंड स्क्वायर एक्स मतलब सेकंड एक्स ऑल पॉजिटिव जी, तो सेकंड स्क्वायर भी पॉजिटिव। तो फिर क्या हुआ? एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन जीरो। और यहाँ हम लिखेंगे कि टेन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया? जो पहले दो ए और बी ऑप्शन हैं वो डिक्रीजिंग है, ये हमारे पास आएगा नाइदर डिक्रीज नॉर इंक्रीज, और टेन एक्स हमारे पास क्या आ रहा है? इंक्रीज। दिस इज योर आंसर।